वेलकम टू द स्टडी थिंक ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबल। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कॉरिडोर इंस्पेक्शन कब कब करते हैं तथा किस किस उपकरण की जांच करते हैं के बारे में इस वीडियो में पूरा बताया है। कॉरिडोर इंस्पेक्शन कब कब करते हैं। पहला पॉइंट, लोगों का चार्ज लेते समय। दूसरा पॉइंट, गाड़ी काम करते समय हर 30 से 40 मिनट के बाद कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि गाड़ी किसी स्टेशन पर अधिक समय तक रुकती है तो अंडर फ्रेम की जांच व कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं। चौथा पॉइंट, प्रत्येक न्यूट्रल सेक्शन व फीडिंग पोस्ट को पार करने के बाद कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा निम्न स्थितियों में भी कॉरिडोर इंस्पेक्शन करना आवश्यक है। पहला पॉइंट, ट्रिपिंग हो जाने पर। दूसरा पॉइंट, यदि किसी रिले को बाईपास किया गया हो तो हर 15 मिनट के बाद कॉरिडोर इंस्पेक्शन व संबंधित मोटर की जांच करेंगे। तीसरा पॉइंट, जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को वेज किया गया हो तो प्रथम 5 मिनट तक वहां खड़े होकर तथा हर 15 मिनट में संबंधित ऑक्सिलरी की जांच करेंगे। चौथा पॉइंट, HQOP एक या दो पर किया गया हो या होबा को ऑफ करने पर व HQOA को जीरो पर करने पर कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं। पांचवा पॉइंट, हाई टेंशन कंपार्टमेंट से किसी प्रकार का धुआं, बैड स्मेल व एबनॉर्मल साउंड आने पर कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते हैं। कॉरिडोर इंस्पेक्शन करते समय किस किस उपकरण की जांच करते हैं। पहला पॉइंट, सभी ब्लोअर, कंप्रेसर तथा आरनों के काम की जांच करते हैं। जिन मोटरों को छू सकते हैं उनका टेम्परेचर छू कर जांच करेंगे। दूसरा पॉइंट, कंप्रेसर तथा ट्रांसफार्मर के तेल की जांच करेंगे, कहीं पर तेल फैला नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, GR ऑयल लेवल -20 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस तक तथा ट्रांसफार्मर ऑयल -15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मैक्सिमम एवं मिनिमम के बीच में होना चाहिए। चौथा पॉइंट, बैटरी, चार्जर का वोल्टेज व करंट की जांच करेंगे। पांचवा, हाई टेंशन कंपार्टमेंट की अच्छे से जांच करेंगे, कहीं से कोई धुआं, बैड स्मेल नहीं होना चाहिए। छठवां पॉइंट, CGR व लाइन कॉन्ट्रैक्टर के आर्क सूट सही प्रकार से लगे होने चाहिए। सातवां पॉइंट, RGR रेड हॉट नहीं होना चाहिए। आठवां पॉइंट, सभी बुशिंग्स स्मॉल A0, कैपिटल A33, स्मॉल A3, स्मॉल A4, स्मॉल A5, स्मॉल A6 व कैपिटल A34 सभी बुशिंग ठीक होने चाहिए, कोई रेड हॉट नहीं होना चाहिए। नौवां पॉइंट, सभी रिले टारगेट की जांच करेंगे। दसवां पॉइंट, पिछले कैब की गेजों को अगले कैब की गेजों से मिलाएंगे। यदि कोई रीडिंग में अंतर आता हो तो उसे लॉग बुक में नोट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।